मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या, एक बहुत विकट बीमारी के विषय में चर्चा करूंगा और उसका संपूर्ण इलाज आपको बताऊंगा। मित्रों, पक्षाघात, पैरालिसिस, अधरंग, ये बहुत ही सताने वाली बीमारी है और अचानक ही प्रकट होती है। व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसके आधे अंग में इसका प्रभाव हो जाता है। जिस प्रकार का ये शब्द है, अधरंग यानी आधा भाग, पक्षाघात, पक्ष आघात यानी शरीर के एक पक्ष में आघात पहुंचना, उसी से ये उत्पन्न होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संपूर्ण पक्षाघात यानी इसमें हमारा शरीर का आधा अंग पूरा, सिर से लेकर चेहरे से शुरू होकर पूरा पैर तक प्रभावित हो जाता है और वो अंग काम करना बंद कर देता है। और दूसरा आंशिक पक्षाघात है जिसमें या तो केवल वो फेस पर प्रभाव डालेगा या एक हाथ काम करना बंद कर देगा या एक पैर काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार की समस्या जो होती है वो आंशिक पक्षाघात में होती है। और इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का बीपी हाई रहता है और वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, लापरवाही करता है, उसको अचानक इसका अटैक पड़ जाता है और वो पक्षाघात से पीड़ित हो जाता है। या किसी को ब्रेन ट्यूमर है या किसी प्रकार का मानसिक आघात पहुंचा है, उससे भी पक्षाघात होता है। और एक और कारण है, लंबी बीमारी से व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत घट जाती है, उससे भी पक्षाघात होता है। या हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड है, उसकी मज्जा यानी बोन मैरो सूख जाने से भी पक्षाघात का अटैक पड़ जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इससे प्रभावित होता है और वो शरीर से बेकार हो जाता है। बहनों भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा साथ निभाते रहें और इस प्रकार से आप इन नुस्खों का लाभ उठाते रहें। मैं आज पक्षाघात का, अधरंग का, पैरालिसिस का आपको आयुर्वेदिक संपूर्ण इलाज बताऊंगा। और एक बात और आपको कह देना चाहता हूं कि मैं इस नुस्खे को डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, ये एकदम सीक्रेट है। जिसको आवश्यकता होगी वही इसको देखेगा, नोट करेगा और इसका लाभ उठाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है कुचला वटी। कुचला वटी, जो भी मैं औषधियां आपको बता रहा हूं, ये सब आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होंगी, सरलता से उपलब्ध हो जाएंगी, केवल आपको इनका प्रयोग करना है। तो आपको लेना है सबसे पहले कुचला वटी। इसमें से दो वटी सुबह, दो शाम, हल्का सा दूध से या गर्म पानी से लेते रहें। और यहाँ एक सावधानी बरतनी है कि कुचला वटी लगातार नहीं ली जाती, इसको 15 दिन लेकर के आप 10 दिन का गैप दें और फिर इसको प्रयोग करें। इसी प्रकार गैप दे देकर इसको प्रयोग करते रहें। और दूसरी औषध मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको लेना है रस राज रस। रस राज रस आपको लेना है 1 ग्राम। और एकांग वीर रस आपको लेना है 10 ग्राम। और व्रत वात चिंतामणि रस आपको लेना है 1 ग्राम। और प्रवाल पिष्टी आपको लेनी है 10 ग्राम। और मकर ध्वज आपको लेनी है 2 ग्राम। और अमृता सत आपको लेना है 10 ग्राम। तो ये 6 औषधियां हैं,
इन सबको एक खरल में पीस करके पाउडर बना लें और बराबर बराबर मात्रा में इसकी 60 पुड़िया तैयार करें, और एक पुड़िया सुबह एक शाम खाली पेट शहद से रोगी को चटाते रहें। और खाना खाने के आधे घंटे पश्चात त्रियोदशांग गुग्गल और चंद्र प्रभावटी, इनमें से दो दो लेकर के दूध से ही सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पश्चात देते रहें। और इसी के साथ साथ महामास तेल और महानारायण तेल लेकर के इन दोनों को एक साथ मिला लें और इनकी पीड़ित स्थान पर मालिश करें। और यदि चेहरे में टेढ़ापन आ गया है तो इसकी मालिश नीचे से ऊपर को करनी है, यानी जिस प्रकार से अंग प्रभावित हो हुआ है उसी प्रकार से उसको यथास्थान पहुंचाने के लिए हमें उसकी मालिश उसी दिशा में करनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आज अधरंग पक्षाघात के विषय में मैंने आपको दी है। कई भाई बहनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वैद्य जी पक्षाघात का भी कोई नुस्खा बताइए, तो आज मैंने आपको ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी और जो अनुभूत है, आप कहीं पर भी जाएंगे आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेने के लिए तो आपको अधिकतर यही औषधियाँ दी जाएंगी और इन्हीं से आपको लाभ भी मिलेगा। तो बहनों भाइयों, आज ये नुस्खा आप नोट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आप इनका लाभ उठाएं और दूसरों को भी इनका लाभ दें, शेयर करें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।